गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रहा है सभी को? चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। वॉइस ठीक है क्या? जल्दी से बताइए, वॉइस ठीक है? चलिए स्लो। भाई धर्मेंद्र, मुझे तो लगता है तुम्हारे फोन में कुछ गड़बड़ी है। सच बता रहे हैं, हमें कुछ गड़बड़ लगता है तुम्हारे फोन के अंदर। जय श्री गणेश। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के। कल हमने एक रिलेशन बताया था, हमने रिलेशन में ये कहा था कि जो अपने पास ई आई है, जो अपने पास ई आई है, ये 3 टाइम्स होता है अपने एफ आई के। यहाँ तक मैं आपको बता चुका था, क्या आप सभी को क्लियर है ये वाला पार्ट? सभी को क्लियर है कि वाला पार्ट? बताइए। कम आ रहा है, देखते हैं, रुको एक बार। यहाँ तक हमने कर लिया था कि अपने पास जो एल्कलीज मैटर है वह एग्रीगेट के वेट के 0.6% ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था कि हमने। ठीक है, हाँ लो। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है चलो, लास्ट एग्रीगेट का पॉइंट। ठीक है चलिए, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट, अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर कट,
अब ठीक आ रहा है क्या? अब ठीक रहा? चलिए स्टार्ट करें अब। माइक थोड़ा दूर करें आप, ठीक है? टॉपिक अभी एग्रीगेट ही चंदा है, टॉपिक अभी एग्रीगेट ही चंदा है भाई, ठीक है? चलिए, तो टाइप ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट, ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस एग्रीगेट चैप्टर का, ठीक है? उसके बाद रिवीजन करा के खत्म कर देंगे, ठीक है? ये टॉपिक डाल दीजिए नोट करके, टाइप ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट, अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट। नोट किसका है? ये एग्रीगेट के चैप्टर में ही चंदा है बेटा। ठीक है, कल हमने एल्केलिस मैटर तक बता दिया था, उसके बाद नोट करके लिखना, एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, हाँ चलो। अब यहां पर आपके पास क्या रहता है कि यह आपके पास तीन टाइप के रहते हैं, ठीक है? कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। यहां पर आ जाएगा आपके पास नेम ऑफ एग्रीगेट, नेम ऑफ एग्रीगेट, यहां पे आ जाएगा मॉइस्चर ऑन सरफेस, मॉइस्चर इन वॉइड्स। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं नाम बताता हूं, इसे कहते हैं सेचुरेटेड एग्रीगेट। क्या है इसका नाम? सेचुरेटेड एग्रीगेट। सेचुरेटेड एग्रीगेट का मतलब आपके पास क्या रहता है कि इस एग्रीगेट के अंदर इसके सरफेस पे भी मॉइस्चर होगा और इसके वॉइड्स में भी मॉइस्चर होगा। तो मतलब एक ऐसा एग्रीगेट जिसके सरफेस और वॉइड्स में वाटर अगर है तो वह सेचुरेटेड एग्रीगेट कहलाता है, वह सेचुरेटेड एग्रीगेट कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा, दूसरा है सरफेस ड्राई एग्रीगेट, सरफेस ड्राई एग्रीगेट। इसका मतलब आपके पास क्या है? इसका मतलब आपके पास क्या है? इसके सरफेस पर मॉइस्चर नहीं है बट इसके वॉइड्स के अंदर मॉइस्चर अभी भी है। तो एक ऐसा एग्रीगेट जिसके सरफेस तो ड्राई होगा बट वॉइड्स के अंदर अभी भी मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होगा, वह सरफेस ड्राई एग्रीगेट कहलाता है। ऐसे ही आपके पास तीसरा एग्रीगेट है जिसका नाम आपके पास होता है बोन ड्राई एग्रीगेट। बोन मतलब अंदर के पार्ट भी सूख चुके होंगे, तो मतलब ना तो सरफेस पे होगा और ना ही आपके पास कहां पर होगा, इसके वॉइड्स में, तो ये कहलाएगा बोन ड्राई। अब एक पेपर था आपके पास, ठीक है, कोई मेट्रो का ही था, ये नहीं पता कहां का था, नागपुर वाला, लखनऊ का या डीएमआरसी, इनमें से कोई एक पेपर था, पूछा कि कौन सा एग्रीगेट कंक्रीट के लिए सबसे प्रीफर माना जाता है, तो यह वाला एग्रीगेट सबसे प्रीफर माना जाता है। ठीक है, बेस्ट या फिर कह सकते हैं गुड फॉर एग्रीगेट, गुड फॉर कंक्रीट मिक्स। बना लो, बस ये लास्ट टॉपिक हो रही है हमारा, एग्रीगेट खत्म, आज एडमिक्सचर स्टार्ट करेंगे। बनाओ, बल्किंग ऑफ सैंड बताएंगे बैचिंग के अंदर,
जहां मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। इसके अंदर कोई छोड़ने का जरूरत नहीं है तुम्हें, इसके अंदर कोई पेज छोड़ने का जरूरत नहीं है। अरे भाई जितना पानी चाहिए इसको गीला करने के लिए उतना तो तुम डालोगे, इसको पानी क्यों चाहिए होगा? पानी जो तुम अपने सीमेंट के लिए डालोगे ना, सीमेंट वो होता है इसके चारों तरफ जो इसको बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, वो भी बता देंगे तुम्हें, वो भी बता देंगे। छोड़ देना टेबल, फिर एक पेज छोड़ देना। एग्रीगेट का कलर तो डिपेंड करता है कि आपने इसको लिया कहां से, किस स्टोन से लिया है। ठीक है आरके, किस स्टोन से आप ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता ही है। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 4, 5 और चैप्टर नंबर सिक्स जिसका नाम आपके पास है एडमिक्सचर। क्या नाम है? एडमिक्सचर। ठीक है चल, अब बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की, बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि कब हम किसी मटेरियल को एडमिक्सचर कह सकते हैं। भाई जैसे कि मान के चलो आपको अलग अलग मटेरियल दे दिए कंक्रीट में मिक्स करने के लिए, तो आप कब कह सकते हैं कि हाँ भाई ये मटेरियल हमारा एडमिक्सचर है, कब आपके पास मटेरियल आपका एडमिक्सचर है। ठीक है, हो जाएगा रिविजन, हो जाएगा, टेंशन ना लो, हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कब आप कह सकते हैं प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है चलिए, तो होता क्या है कि आपके पास कंक्रीट बनाने के लिए सीमेंट का यूज किया जाता है, फिर आपके पास फाइन एग्रीगेट का यूज किया जाता है, कोर्स एग्रीगेट का यूज किया जाता है, वाटर का यूज किया जाता है, और फिर यूज किया जाता है आपके पास एडमिक्सचर का। इन पांचों को मिलाने के बाद जो मेटल बनता है, जो उसका रिजल्ट आपके पास बनता है, उसे कहा जाता है कंक्रीट। क्या कहा जाता है? कंक्रीट कहा जाता है। तो मतलब इन चारों को छोड़कर आप कुछ भी डाल दो, इन चारों को छोड़कर आप कंक्रीट में कुछ भी डाल दीजिए, वह क्या कहलाएगा? वह डायरेक्ट एडमिक्सचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डायरेक्टली एडमिक्सचर कहलाएगा। ठीक है चलिए, तो इसी के अंदर इसका डेफिनेशन लिखते हैं यहां पर। एनीथिंग एड इन द मिक्सचर other than cement, fine aggregate, coarse aggregate and water। कुछ भी इन चारों को छोड़कर आप जो ऐड करोगे वह मटेरियल क्या कहलाएगा? एडमिक्सचर कहलाएगा। एंड वाटर इन ऑर्डर टू modify the in order to modify the properties of mix
modified the property of mix is referred as admixture. ये लो ठीक है. कॉन्क्रीट के अंदर सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर, इस छोड़ चारों को छोड़कर आप कुछ भी डालोगे तो वह सीधा क्या कहलाएगा, वह आपके पास एडमिक्सर कहलाएगा. और एडमिक्सर वो होते हैं जो सीमेंट की प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. ठीक है, अब चेंज किस तरीके वे में कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा कि आप एडमिक्सर कौन सा ऐड कर रहे हैं, कौन सा ऐड कर रहे हैं. नोट कर लिया क्या? बफरिंग हो रहा है तभी तुमसे कहता हूं नेट मत चलाया करो, रात को मत देखा करो कुछ भी ना, दिन में कितनी बार कहें तुमसे. नहीं वो नहीं बताऊंगा मैं कौन कौन से होते हैं, वो तो मैं नहीं बता सकता तुम्हें, सॉरी. दीज एडमिक्सचर आर Now a day, these admixture that is this admixture now is used as fifth ingredients in the preparation of mix, जैसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट. याद रखना एज ए फिफ्थ इंग्रेडिएंट्स की तरह इनको यूज करने अब हम लग चुके हैं. ठीक है, उससे पहले क्या होता था, ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि आपके पास यहाँ पर सीमेंट के अंदर, कंक्रीट के अंदर मात्र चार मटेरियल यूज होते थे अपने पास, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, चार ही मान के चलते थे. कभी अपने पास क्वेश्चन आता था ना, नंबर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन द मिक्सचर ऑफ कंक्रीट, तो आंसर चार ही करते थे. पर 2016 के बाद के जितने भी पेपर देखोगे तो वहां पर अब आंसर कितने मिलते हैं, पांच मिलते हैं. तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है कि नंबर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स कंक्रीट के लेकर आपसे पूछता है ना, तो आपको पांच करके आना है. ठीक है, ठीक है, चलो आ रहा है क्या भाई सब? अभी भी नहीं आ रहा, फिर तो कभी आ ही नहीं सकते तुम्हें. माइक दूर करते हैं तो कहते हैं धीरे आ रहा है, पास करते हैं तो कहते हैं दूर करो. बैटरी तभी हमने चेंज कर ली जितेंद्र बेटा, तभी हमने बैटरी चेंज कर ली. चलो ठीक
है। ठीक है, चलो यहां पर ये हो गया, यहां पर ये हो गया। अब बात करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर का। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर। तो पहला जिसको हम डिस्कस करेंगे उसका नाम आपके पास है प्लास्टिसाइजर। क्या नाम है? प्लास्टिसाइजर। चलिए बात करते हैं प्लास्टिसाइजर एडमिक्सचर के लिए। ठीक है, आप तेज बोलो, तेज लो, एग्जाम से पहले ही कान खराब हो जाएंगे एक तो। कोई बात नहीं, वैसे भी पेपर में तुम्हें एग्जाम में के लिए पे एग्जाम के लिए तुम्हें कान का जरूरत नहीं पड़ता है। नहीं, तुम्हें पढ़ा है, तुम्हें आता है तो तुम कर दोगे, तुम्हारे कान का जरूरत तो नहीं पड़ता, इतना तो मुझे पता है। हाँ, किसी से पूछोगे तो बात अलग है। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर बात करते हैं आपके पास इसके लिए। तो यहां पर दो बातें आती है कि जो प्लास्टिसाइजर है यह है ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है। ठीक है, हाँ। दूसरा, अब आपके पास यहां पे इसका काम है ना, दो काम रहते हैं, या तो यह वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, या तो यह वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर सकता है, या फिर यह स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। अब बात क्या आती है कि सर आप तो कह रहे थे कि वर्केबिलिटी स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यह कैसे एक साथ वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है? यह एक साथ नहीं बढ़ाता, यह एक टाइम पर एक ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलो आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर पानी की कमी है, जहां पर पानी की क्या है, कमी है। तो आप वहां पर देखो वर्केबिलिटी क्या होता है कि जब तुम पानी डालते हो ना तो उसका फ्लोनेस बढ़ जाता है, जो इनडायरेक्टली वर्केबिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जब पानी को ऐड करेंगे तो वर्केबिलिटी को बढ़ेगा, पर हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे पानी नहीं है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, हम वहां पर इस प्लास्टिसाइजर को यूज कर लेंगे। ठीक है, प्लास्टिसाइजर को हमने क्या करा, इंक्रीज कर दिया। तो यह है वहां पर वाटर सीमेंट रेशो को क्या कर देता है, कम कर देता है। कम करने पर यह है वर्केबिलिटी जितना हमें चाहिए था ना, जैसे मान के चलो कि हमें ये जो वर्केबिलिटी है हमें चाहिए 40% वाटर पर, कितने पे चाहिए, 40% वाटर पर, बट हमें वही वर्केबिलिटी मिल रही है कितने परसेंट पर, 20 से 25% वाटर को डालने पर। मतलब कि पानी की हमने कमी कर दी और हमें वर्केबिलिटी अभी भी उतना ही मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था। ओके, और तुम्हें पता है कि जब पानी को कम करते हैं ना तो हमारा जो स्ट्रेंथ है वह क्या होता है, बढ़ जाता है, वह क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मतलब प्लास्टिसाइजर को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं और तुम्हें सिर्फ वर्केबिलिटी को बढ़ाना है तो स्ट्रेंथ उतना ही रहेगा और वर्केबिलिटी तुम्हें उतना ही मिल जाएगी, बट जब तुम वर्केबिलिटी माने तुम ऐसी जगह पे हो जहां पे पानी सफिशियंट है, वर्केबिलिटी से कोई रोल नहीं करना, तुम्हें स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो तुम पानी को कम कर सकते हो, पानी को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, और तुम अपनी स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तुम्हें वर्केबिलिटी उतना ही मिलेगा जितना तुम्हें पहले चाहिए था। समझ गए क्या भाई? तुम पढ़ने नहीं दोगे क्या? सर वॉइस रियल में ही कम है, बहुत कम आ रहा, अब क्या करे, सामने वाले को भी नहीं आता कुछ भी। रिपीट प्लीज। हम ये कह रहे थे कि प्लास्टिसाइजर आपके पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनता है, और कंक्रीट में इसके दो काम होते हैं, या तो ये वर्केबिलिटी को बढ़ा सकता है या फिर स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। तो मतलब अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पे पानी की कमी है तो तुम्हें स्ट्रेंथ उतना ही मिलेगा। तुम पानी को कम कर दो, तुम्हें वर्केबिलिटी उतना ही मिल जाएगा जितना 40% वाटर पे मिलता। तुम 20% पानी डालोगे और साथ में प्लास्टिसाइजर को डाल दोगे तो यह है कंक्रीट उतना ही बिहेव करेगा
जितना 40% या 45% वाटर पे करता, तो वर्कबिलिटी अभी भी क्या होगा, बना रहेगा। और तुम्हें पता है कि जब तुम पानी को कम कर दोगे तो तुम्हारा क्या चीज बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। समझ में आया है क्या? तो प्लैक्टिस एक्सरसाइज का काम क्या होगा, या तो स्ट्रेंथ बढ़ा लो या फिर स्ट्रेंथ बढ़ा लो, ठीक है। एक चीज से ओनली तुम्हें डील करना पड़ेगा। It is a mixture of organic and inorganic substance which permit the reduction in water cement ratio, permit the reduction in the water cement ratio at the same workability, at the same workability, or ensure और इंश्योर और इंश्योर हायर वर्केबिलिटी एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो, सेम वाटर सीमेंट रेशियो, ओके। तो यह इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बना होता है, यह रिडक्शन करता है किसमें, वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, सेम वर्केबिलिटी के लिए, या फिर तुम पानी को कम मत करो। अब तुम इसमें क्या डाल दो, एडमिक्सचर डाल दो, पानी अभी भी उतना ही है जितना नॉर्मल डाला जाता था, पर तुम्हें प्रैक्टिसाइजर का क्या करा, डाल दिया। अब तुम्हारा क्या होगा, सेम वाटर कंटेंट के लिए तुम्हारा प्लास्टिसिटी बढ़ जाएगा, मतलब तुम्हारा वर्केबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? या तो पानी को कम करके वर्केबिलिटी सेम रखो और स्ट्रेंथ को बढ़ा लो, और अगर तुम्हारे पास पानी है तो तुम पानी सेम रखो, प्लास्टिसाइजर को डालो और वर्केबिलिटी को और बढ़ा लो। बस काम यहां पर एक ही होगा, या तो तुम वर्केबिलिटी को बढ़ा सकते हो, और वर्केबिलिटी अगर तुम्हें सेम रखना है तो तुम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, पर काम क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। दो काम नहीं हो पाएंगे इससे, क्लियर है? तो दो बातें पूछी जाती है कि प्लास्टिसाइजर का काम क्या है, तो दो बातें यहां पर याद रखना, इंक्रीज वर्केबिलिटी एट सेम वाटर सीमेंट रेशियो, और दूसरी बात आती है डिक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो। तो यहां से क्या होगा, यहां पे डिक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो एट सेम वर्केबिलिटी, बट इसके कारण से क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। ये दो क्वेश्चन आते हैं यहां से, दो क्वेश्चन आते हैं कि एक तो वर्केबिलिटी को बढ़ाता है सेम वाटर सीमेंट रेशियो के लिए, और सेम वर्केबिलिटी को वाटर सीमेंट रेशियो को कम करता है। और तुम्हें पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है तो स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। किस लॉ के अकॉर्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो को स्ट्रेंथ के साथ बताया जाता है, बताओ, पढ़ा होगा ना तुमने आरसीसी में, बिल्कुल सही, इब्राहिम लो बताता है कि वाटर के साथ में कैसे कैसे कंक्रीट का स्ट्रेंथ चेंज होता रहता है, ठीक है। चलो, अब दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है ना, वो आपके पास ये रहा,
दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो आपके पास ये रहा, क्या होता है डोज, क्या होता है डोज, डोज मतलब कितने अमाउंट में इसको ऐड करना चाहिए। तो यहां पर इसको ऐड किया जाता है 0.1 से 0.4%, 0.1 से 0.4% बाय वेट ऑफ सीमेंट, जितना भी सीमेंट होता है सीमेंट के वेट के 0.1 से 0.4% लिया जाता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं इसके इफेक्ट का, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। पहला अगर इफेक्ट की बात करें, पहला इफेक्ट अगर हम बात करें तो वाटर रिडक्शन, वाटर का ये रिडक्शन कर देता है, वाटर रिडक्शन बाय 5 to 15%, यह है 5 से 15% तक पानी का रिडक्शन कर सकता है। दूसरा पॉइंट इंक्रीज वर्केबिलिटी, इंक्रीज वर्केबिलिटी, और तुम्हें पता नहीं होगा वर्केबिलिटी को अलग अलग टेस्ट से फाइंड किया जाता है, वेबी टेस्ट, स्लम टेस्ट, कंपैक्शन और फ्लो टेस्ट, कुछ टेस्ट होते हैं जिनके बारे में हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर बात करेंगे। तो यह वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, बट यहां पर वैल्यू आती है इंक्रीज स्लंप वैल्यू, इंक्रीज स्लंप वैल्यू बाय बाय 30 to 150 mm, जितना भी तुम्हारा स्लंप वैल्यू होता है ना उसका 30 से 150% 150 mm तक ये बढ़ जाता है। ठीक है, बना लिया। ठीक है, अब इसके आते हैं एग्जाम्पल, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल और किस किस केमिकल नेम से मिलते हैं। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आता है ये इस नाम से, लिग्नो सल्फेट, सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ लिग्नो सल्फेट, इसको 5 स्टार कर दो। ये इसका नाम बार बार पूछता है कि लिग्नो सल्फेट क्या है, तो यह है एक प्लास्टिसाइजर है। फिर ये नाम पॉली ग्लाइकोल ईस्टर, पॉलीग्लाइकोल एस्टर। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, बस इतना ही याद रख लो। ठीक है, एक क्वेश्चन यहां पे आया था, एक क्वेश्चन यहां पे आया था पेपर में, कहा था कि मिड रेंज कितना ये पानी को रिडक्शन करता है, कहता है पानी को ये रिडक्शन कितना कर देता है मिड रेंज में, तो मिड रेंज मतलब कितना था 8%, ये रहा आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था कि प्लास्टिसाइजर को डालने पर ये पानी का रिडक्शन मिड रेंज में कितना कर सकता है, तो आंसर क्या था 8% था। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लो, ये भी लिख लो, लिख लो, ये भी लिख लो। चले आगे चले।
दूसरा जिसका नाम हमें डिस्कस करना है वह है सुपर प्लास्टिसाइजर। क्या नाम है? सुपर प्लास्टिसाइजर। ठीक है, सुपर प्लास्टिसाइजर आपके पास क्या होता है? प्लास्टिसर जैसा ही होता है बट नाम के आगे सुपर लग गया, तो जो इसका प्रॉपर्टी होगा ना वह वर्केबिलिटी से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जैसे कि प्लास्टिसाइजर का काम क्या था? वर्केबिलिटी को बढ़ाना, तो ये और ज्यादा बढ़ा देगा। दूसरा काम क्या था? स्ट्रेंथ को बढ़ाना, ये और ज्यादा बढ़ा देगा। इस कारण से नाम क्या लग गया? सुपर, सुपरमैन की तरह होता है। ठीक है, तो बात यहां पे करना है सेम एज प्लास्टिसाइजर बट इफेक्ट ऑन कॉन्क्रीट इज इनहांस। ओके, सेम प्लास्टिसाइजर जैसा ही है बट ये कॉन्क्रीट पे जो इफेक्ट डालता है ना वो कुछ अलग है। ठीक है, ठीक है। अब कितना डोज होगा? डोज तो सेम होगा। इफेक्ट की बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आता है। यहां से क्वेश्चन आता है, पहले पूछता है इफेक्ट, वहां पे कितना पानी कम किया था प्लास्टिसाइजर ने? पानी कितना कम किया था प्लास्टिसाइजर ने? पानी कितना कम किया था? 5 से 15। तो यह है कितना पानी कम कर सकता है? वाटर रिडक्शन इन कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट अप टू 30%। वह 5 से 15 ही करता है, ये कितना ले गया? 30% तक। कितना ले गया? 30% तक। ओके, अब जितना ज्यादा पानी कम करेगा क्या स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा क्या? क्या स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा क्या? इसलिए मोर स्ट्रेंथ अचीव, इसलिए ज्यादा स्ट्रेंथ तक मिल जाता है। ठीक है, पॉज हो गया भाई का, पॉज हो गया। ठीक है, हाँ चलो, 30% है, रेंज कितनी होती है? 15 से 30% तक। 15 तक वहां पे था, यहां 15 से 30 होता है। लो, रिफ्रेश कर दिया और हो रहा है, डोज सेम। और जब वहां पढ़ते हैं आरसीसी में तो इसका ज्यादा था, आरसीसी में पढ़ते हैं तो इसका डोज ज्यादा रहता है। यहां तो हम पॉइंटों में यूज करते हैं 0.1 से 0.4, जब आरसीसी में पढ़ते हैं तो वहां पे रेंज होता है इसका, एक था 1 से 3 और उसका था 3 से 6, कुछ ऐसे रेंज करके था। आपने कोड पढ़ा होगा ना 10262, ये वाला कोड पढ़ा या नहीं पढ़ा? 10262 ये कोड पढ़ा था आरसीसी में, इनहांस मतलब चेंज करना, पढ़ा था ना? हाँ, तो उसके अंदर सर ने तुम्हें बताया होगा कि यह है डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट का है, यह है डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट का कोड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट को डिजाइन किया जाता है, तो इसके स्टेप याद रखना, इसके स्टेप याद रखना। 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो डिजाइन मिक्स कॉन्क्रीट का कोड है उसमें स्टेप का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहता है। ठीक है, तो जो सेकंड आपके पास जो सेकंड स्टेप है ना वहां से पता चल जाता है कि इस पानी को कम करने पर स्ट्रेंथ ज्यादा अचीव होता है। ठीक है, इनहांस का मतलब होता है बढ़ा देना। हाँ, सेटिंग टाइम को ये इफेक्ट करेगा, बढ़ा देता है ये। हाँ, सारे कोड लिखवा देंगे जितना भी ऑल ओवर इंडिया आ रखा है, बस तुम थकना मत। वो तो मैं करवा दूंगा, बस तुम थकना मत बस।
चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात हो गया कि ये इतना अपने पास कम करता है तेज तक और स्ट्रेंथ ज्यादा अचीव होता है। अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ से कि जो सुपर प्लास्टिसाइजर है ना, इसके एग्जाम्पल से। ओके, प्लास्टिसाइजर का नाम क्या था? प्लास्टिसाइजर में जो सबसे ज्यादा बार पूछ रखा है, ठीक है, आज कुछ सीरियस लग रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात बताई। जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आ रखा था वह आपके पास क्या था? लिग्नोसल्फेट, है ना। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ज्यादा देगा प्रॉपर्टी, नहीं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पहला, यहाँ पे पहला हम क्या लिखेंगे? मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट, मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट। ओके, दूसरा याद रखिए SMF, SNF, SMF, एंड तीसरा होता है SNF, ठीक है। SMF का मतलब आपके पास क्या है? सल्फोनेटेड मेलेविन, सल्फोनेटेड मेलेविन फॉर्मल्डिहाइड। और ये SNF आपके पास होता है सल्फोनेटेड नेप्थलीन नेप्थलीन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे तीनों ही नाम याद रखने हैं, ये तीनों ही एग्जाम में आते हैं केमिकल नेम, ये तीनों ही, ये रहा ये रहा ये रहा, SMF, SNF और मॉडिफाइड लिग्नोसल्फेट। मेरे लो है बैटरी, सही पकड़े। अरे परसों जो तुम्हारा पेपर है उसके क्वेश्चन सेंड कर दोगे? अब तो बहुत लोग होंगे क्वेश्चन सेंड करने वाले। ठीक है, चलो। अच्छा, ये तो ऑफलाइन है, सही है सही है। तीसरा है रिटार्डर। क्या काम होता है तुम्हें पता है? रिटार्डर का काम क्या होता है आप सभी को पता है। इसका काम क्या रहता है कि जब भी इसको ऐड किया जाता है ना, तो ये अपने पास जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको स्लो कर देता है। जैसे ही हीट ऑफ हाइड्रेशन स्लो हो जाता है, आपका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। और एक सबसे फेमस रिटार्डर जो है उसका नाम तुम्हें पहले से ही पता है। क्या नाम था उसका, जल्दी से बताओ, नाम क्या था? सबसे फेमस है क्योंकि तुम तो स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, जिप्सम, है ना। बिल्कुल सही, ठीक है। तो रिटार्डर का काम क्या रहता है? ठीक है, इसका अगर इफेक्ट की बात करें, इसके अगर इफेक्ट की बात करें तो यह है क्या करता है? यह है आपके पास स्लो कर देता है, स्लो दी हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस, स्लो दी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। एंड दूसरा बात करें तो, दूसरा अगर बात करें तो स्लो दी हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस, दूसरा इंक्रीज दी इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट कैल्शियम सल्फेट। बिल्कुल सही,
बात एक ही है, ठीक है। और एक क्वेश्चन में पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा कि रिटार्डर किस एडमिक्सर के अपोजिट होता है, बताओ। यह है किस एडमिक्सर के अपोजिट होता है, तो तुम्हें पता है, मुझे लगता है ये चीज बतानी भी चाहिए। रिटार्डर इज अपोजिट टू एसिलेटर, यह एसिलेटर के अपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि एसिलेटर क्या करता है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन को बढ़ा देता है और सेटिंग टाइम को कम कर देता है, तो ये उसके जस्ट अपोजिट काम करता है, ये उसके जस्ट अपोजिट काम करता है। दो चीजें हैं जो एग्जाम में ज्यादा बार आ रखी है, मैं उनको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना। ये नोट डाउन करो एक बार, ये एक बार नोट डाउन करो, जो जो एग्जाम में आ रखा है वो एक थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर बताता हूँ कि क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछ रखा है। C3A? नहीं, C3A तो नहीं रहता। ऑप्शन में आ सकता है, आंसर नहीं होगा, बात बस ये है। बना लिया यहां तक? यहां तक बना लिया क्या आप लोगों ने? अब देखने, यहां से क्या पूछा, पहला पूछा इसका एप्लीकेशन, पहला पूछा इसका एप्लीकेशन। तो दो एप्लीकेशन बहुत बार आ रखे हैं इसके। पहला तो यूज करते हैं अपने पास ऑयलमेंट वेल, तेल के कुओं के अंदर, तेल के कुएं के अंदर, और दूसरा यूज करते हैं हाई टेम्परेचर एरिया के अंदर। देखिए होता क्या है कि अगर तुम सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, जहां पे मैं कंक्रीट को यूज कर रहा हूँ उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिस कारण से क्या आने के चांसेस हो जाते हैं, श्रिंकेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑयलमेंट वेल के अंदर जहाँ पे तेल रखे जाते हैं कुओं के अंदर, तो वहां पर क्या रहता है कि उस ऑयल का टाइम के साथ में खराब होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो वह ऑर्गेनिक मैटर से कंटेमिनेटेड ना हो इसलिए उसको कुछ टाइम तक हीट करके रखा जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस के समथिंग रखा जाता है। और इस टेम्परेचर पर अगर मैं नॉर्मल सीमेंट को यूज करता हूँ ना, तो वहां पर श्रिंकेज क्रैक्स आ जाते हैं, और अगर उस ऑयल के अंदर श्रिंकेज क्रैक्स आ गए ना, तो जितना भी ऑयल है ना वह टंकी में हर दिन कम होता रहेगा, क्योंकि वह सीप करता रहेगा उन क्रैक्स के अंदर और कहीं जाता रहेगा, ठीक है। इस कारण से जहां पे हम उनको हीट करते रहते हैं बार बार, तो वहां पे ऑयलमेंट के अंदर जो भी किनारे होते हैं वहां पर इस टाइप का सीमेंट यूज किया जाता है, जिसके अंदर रिटार्डर को यूज करा जाता है, क्योंकि इन सीमेंट के ऊपर हाई टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। समझ गए कि यहां पर समझ गए, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन इसके डोज को लेकर आता है, दूसरा क्वेश्चन आता है इसको डोज को लेकर, ठीक है। हाँ, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके डोज को लेकर। इसका डोज जो रखा जाता है वह रखा जाता है 0.05 से लेकर 0.2% बाय बाय वेट ऑफ सीमेंट, यह इतना यूज कर रखा है, ठीक है। अब देखना एसएससी ने क्या पूछा, एसएससी ने क्या पूछा। धर्मेंद्र, डोज तो नहीं बताएंगे हम डोज नहीं बताएंगे, ठीक है। देखो एक बार सुन लो पूरा, फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। एप्लीकेशन मैंने ये कहा है कि यह तेल के कुओं में यूज करते हैं और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में यूज करते हैं। होता क्या है इन दोनों जगह पर कि यहाँ पर टेम्परेचर को ज्यादा ले जाया जाता है, और जब नॉर्मल सीमेंट को हाई टेम्परेचर तक ले जाया जाएगा तो वहां पर श्रिंकेज क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस बढ़ जाता है इस कारण से। तो हम जहां पर
ऐसी जगह जहां पे हाई टेम्परेचर के चांसेस होते हैं वहां पर हम इस टाइप के सीमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि इस टाइप के सीमेंट के अंदर हीट ऑफ एडिशन स्लो होती है। तो जब मैं टेम्परेचर को ज्यादा भी करता हूं ना तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर न्यूट्रल रहता है और यह स्ट्रक्चर सेफ रह जाता है। समझ गए क्या? समझ गए जितेंद्र कृष्णा, जितेंद्र कृष्णा भाटी, ठीक है। चलो अब डोज की बात करें तो 0.05 से 0.2% लिया जाता है सीमेंट के वेट के। अब है ना क्वेश्चन यहां से एसएससी ने क्या पूछा घुमा के वो देखो। सीमेंट ने देखो क्वेश्चन यहां से कैसे बना, कहा कि अगर 0.05 से 0.1% अगर मैं ऐड करता हूं रिटार्डर को तो कितना सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, तो 4 घंटे इंक्रीज, 4 घंटे सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। 4 घंटे सीमेंट का टाइमिंग बढ़ जाता है, 4 घंटे ही है, 4 4, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, 4 लिखा है। और अब जो क्वेश्चन आया ना, ये आया था क्वेश्चन कि कहा कि अगर रिटार्डर को पॉइंट वन से 0.2% अगर ऐड करते हैं तो यह सेटिंग टाइम को कितने घंटे बढ़ा देता है, तो आंसर है 72 घंटे। तो आंसर है 72 घंटे, मतलब 3 दिन तुम उस सीमेंट को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ रखा है। और एक क्वेश्चन और बताए, अब पेपर मुझे याद नहीं कौन सा साउथ का तरफ का था, अंडमान निकोबार नागालैंड पता नहीं कहां का था, मेरे को अभी भी याद नहीं आ रहा। कहा कि अगर ये सेटिंग टाइम है, ठीक है, सेटिंग टाइम मतलब इंक्रीज वाला, इनिशियल वाला ही होता है, क्योंकि जो फाइनल है ना उस पे तो वो हार्ड हो जाता है, तो उसके बाद तो हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। इनिशियल टाइमिंग वो रहता है कि हम उसको शेप को चेंज कर सकते हैं, उसको कुछ शेप दे सकते हैं, नहीं तो वो आपके पास टाइमिंग चेंज होता है जनरली। तो सेटिंग टाइम मतलब इनिशियल ही होता है जनरली, ठीक है। स्लैब कास्टिंग के टाइम पर कौन सा होता है हमें क्या पता, मैंने तो चाय डाला था उसमें, शुगर का घोल डाल देना चल जाएगा काम तुम्हारा। हाँ मैंने भी सुना है, अरे स्लैब कास्टिंग में बहुत टाइम लगता है भाई, स्लैब कास्ट करते हैं जब बड़ा मेंबर होता है तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन जो पूछा वह मैं आपको बता देता हूं, पेपर कौन सा था मुझे भी याद नहीं आ रहा। कहा कि अगर 0.05 से 0.1 सीमेंट यूज करते हैं तो इसके ऊपर इफेक्ट कितना पड़ता है, ठीक है, हाइड्रेशन का इफेक्ट कितना रहता है, तो आंसर था लिटिल इफेक्ट ऑन हाइड्रेशन, बहुत कम इफेक्ट पड़ता है हाइड्रेशन का, ठीक है। और 72 घंटे की बात करें तो यहां पर लिखते हैं इसके अंदर लार्ज या फिर हाई, कहते हैं हाई इफेक्ट ऑन हाइड्रेशन, यह ज्यादा हाइड्रेशन को इफेक्ट करता है, दिख ही रहा होगा 3 दिन। निकालने का फॉर्मूला होता है, किसको निकालने का फॉर्मूला होता है, हैं भाई किसको निकाल रहे हो, किसको निकाल रहे हो, और तुम फॉर्मूले से क्यों निकालोगे, सीधा निकाल लो। चलो केमिकल बात करते हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम में आ रखे हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बना लिया सर चाय, हाँ चाय तुम डाल सकते हो, यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हें, किसी का घर बन रहा हो ना पड़ोसी का जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो, जब छत डलता है ना तो छत बनने के 14 दिन के बाद दूसरी कास्टिंग की जाती है, तुम क्या करना
जिस दिन उसका छत बने ना, उस दिन रात को जाके एक भगोनी भर के चाय गिरा देना उसके छत के ऊपर, फिर दूसरे दिन भी चाय गिरा देना 14 दिन के बाद। और जैसे जैसे तुम 14 दिन तक ये गिरते रहोगे, 14 दिन के बाद जब वो बल्ली फंटे हटाएगा ना, पूरी की पूरी छत गिर जाएगी, पूरी की पूरी छत हो जाएगी। हाँ तो भाई मत करना, क्योंकि वो लोग यही सोच रहे होंगे कि सेट हो चुका है। ठीक है? हाँ भाई पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटार्डर का काम करता है वो भी कहीं ना कहीं। ठीक है? चलो अब बात करते हैं इसके केमिकल पर, अब बात करते हैं इसके केमिकल पे। सबसे पहले जिसका नाम पता है तुम्हें वो लिख लो, क्या नाम था? कैल्शियम सल्फेट। क्या नाम था? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट मतलब तुमने इसको क्या बोला था? जिप्सम। क्या बोला था? जिप्सम। ठीक है? दूसरा, अभी अभी बताया है चाय, चाय मतलब शुगर गेर देना। ठीक है? और स्टार्च मतलब गन्ने का जूस गेर सकते हो। फिर सेलुलोज, ये होता होगा कोई केमिकल। ठीक है? शुगर, स्टार्च, सेलुलोज, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है? हाँ इतना लिख लो। हाँ गुड आफ्टरनून सरफराज बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो आगे चले। ठीक है? चलो शुगर बता दे थोड़ा। अरे चीनी का घोल भाई, चीनी का घोल। हाँ इसमें क्या बताएं? अब शुगर में क्या है बताने का? कुछ भी नहीं है। चीनी का घोल लो, डालते रहो, जो हम चाय बता रहे थे। चौथा एक्सेलरेटर। सबसे पहले एक किसके अपोजिट है? किसके अपोजिट है? जल्दी से बताओ, अभी अभी बताया था, अभी तो क्या लिखना, तुम समझ गए होंगे रिटार्डर के अपोजिट है। इसका अगर इफेक्ट की बात करें तो यह है क्या करता है? यह है इंक्रीज करता है रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस, और हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम को, इनिशियल सेटिंग टाइम को या सेटिंग टाइम को चेंज कर देता है, डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ओके? और सबसे फेमस आपको पता ही है, सबसे फेमस आपको पता ही है कैल्शियम क्लोराइड। मुझे इसका डोज के बारे में बताओ, जिसने इसका डोज बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि वो बादाम अभी भी खा रहा है। जल्दी से बताओ इसका डोज कितना होगा? सुपर के घोल दोनों के बाद कितना टाइम? शुगर का घोल दोनों के बाद घोलते डाल देना, घोलते डाल देना। ठीक है? 2 पर, शाबाश। ठीक है? इसका जो डोज है नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन 2% बाय वेट ऑफ सीमेंट। ओके? सीमेंट के वेट के
2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, 2% से ज्यादा होने पर क्या होगा? अगर 2 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? जल्दी से बताओ, तुम्हें बताया भी था मैंने, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बताओ। कोरोजन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसके केमिकल पे। ठीक है, इस बात करते हैं इसके केमिकल पर। केमिकल सबसे फेमस आपको पता ही है और बार बार एग्जाम में आता है ये वाला नाम, कैल्शियम क्लोराइड। आप ही कर रहे हैं बेटा, पीछे ही कर रहे हैं। क्लोरियम क्लोराइड सबसे ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन। फिर NaCl, फिर इपोक्सी, क्या नाम था इसका, इपोक्सी रेजिन, इपोक्सी रेजिन। और एक आपके पास होता है फॉर्मल्डिहाइड। ये लो, पहला तो बोलना नहीं है, आज जूम करके बाद कमेंट का ऑप्शन भाग जा रहा है। पता नहीं बेटा क्या क्या हो रहा है, मुझे भी नहीं पता। जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और पता ही नहीं चल रहा। तुम्हारा जूम करके भाग रहा है, मेरा बिना जूम करे भाग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो बना लिया क्या? 12-13, ये लो, ये रहा 12। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। केमिकल, केमिकल चेंज करते हैं। और एक ही बात क्यों पूछ रहे हो बेटा प्रिंस? और कुछ भी पूछ लो तुम, 2-3 सब पूछ लो। ठीक है, केमिकल चेंज करते हैं। जब भी आप केमिकल मंगाओ ना, तो जो अपना टैंक आता है, ठीक है, ये सस्ते में नहीं मिलते, या तो टैंक आएगा या फिर बोतल आती है 5 लीटर की, ऐसे करके, है ना, तो उसके पीछे लिखा होता है कि भाई इस केमिकल को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल हमने ऐड कर रखे हैं, कौन कौन से ऐड कर रखे हैं। ठीक है, हाँ सर, वाइट्स वगैरह पे भी इफेक्ट करता है क्या? नहीं, पर बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। यह है पांचवा है, जिसका नाम है एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सर, एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सर। देखो नाम से तो तुम्हें पता चल ही रहा होगा नाम क्या है, एयर इंट्रेनिंग। सर सीमेंट क्वेश्चन था, सीमेंट खरीद ले खुद, खुद जाके। अच्छा, ऐसे आप बहुत छोटे दी रहे हैं। अच्छा
अरे किसी का कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हारा हो रहा होगा। ठीक है चलो, तो नाम क्या है? एयर रिटेनिंग एडमिक्सचर है, तो मतलब इस एडमिक्सचर के अंदर एयर प्रेजेंट होती है। तो मतलब इसको यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये वर्कबिलिटी को चेंज करता है। बट बात यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर अगर ये एयर को एंटर करने दे रहा है तो वॉइड्स के अंदर एयर है, तो वॉल्यूम को कहीं ना कहीं ये बढ़ा रहा होगा, जिस कारण से स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा। तो मतलब इस टाइप के एडमिक्सर के कारण से, इस टाइप के एडमिक्सर के कारण से वर्कएबिलिटी तो बढ़ता है बट स्ट्रेंथ क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, तुम याद रखना इस बात को। एयर इंट्रेनिंग एडमिक्सर, यह है आपके पास एयर को एंटर करता है। होता क्या है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर अपने पास एग्रीगेट होती है ऐसे, एग्रीगेट होती है ऐसे, ठीक है। इन एग्रीगेट के साथ में जब इसको ऐड, जबकि जब कंक्रीट के साथ में इसको ऐड कर दिया जाता है ना, तो यह बीच में अपने बबल बना लेते हैं, बीच बीच में अपने बबल्स बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, बबल्स के कारण से जो एग्रीगेट है ना, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाएगा, जैसे रोलर लग रहे हो। और तुम्हें पता है जितना ज्यादा स्लाइड करेगा ना, उतना ही ज्यादा फ्लोनेस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा फ्लोनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा ही वर्कुलिटी बढ़ेगा। बट होगा होगा क्या कि इस ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर हम देख रहे हैं तो यह है फ्लोनेस के कारण से वर्केबिलिटी को तो बढ़ा रहा है, बट इनडायरेक्टली यह है स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। क्योंकि अगर दोनों एग्रीगेट कांटेक्ट में नहीं आ रहे तो इंटरलॉकिंग नहीं होंगे, इंटरलॉकिंग नहीं होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हमें नहीं मिल पाएगा, तो इनडायरेक्टली हमारे स्ट्रेंथ को क्या करेगा? चेंज करेगा। क्या करेगा? चेंज करेगा। इस कारण से यह जो एग्रीगेट है, यह जो एडमिक्सर है, यह वर्केबिलिटी को तो बढ़ाता है बट हमारी स्ट्रेंथ को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो लकी, तुम ऐसे ही पकड़ के रहो। ठीक है चलो, दीज एडमिक्सचर इंट्रैप्स मिलियंस ऑफ एयर बबल्स, मिलियंस ऑफ एयर बबल्स इन बिटवीन द वॉइड्स ऑफ एग्रीगेट, बिटवीन द वॉइड्स ऑफ एग्रीगेट विच एक्ट एज ए, विच एक्ट एज ए फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग, फ्लेक्सिबल बॉल बियरिंग दैट स्लिप पास ओवर इच अदर, स्लिप पास ओवर इच अदर, इच अदर एंड मॉडिफाइड दी प्रॉपर्टीज ऑफ, मॉडिफाइड दी प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्स या फिर कॉन्क्रीट, मॉडिफाइड दी प्रॉपर्टी ऑफ मिक्स या फिर कॉन्क्रीट। वर्केबिलिटी कैसे बढ़ा? अरे ऐसे ऐसे रोलिंग होगा ना, देखो ये रोलर है, ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे, और जितना ज्यादा फ्लोनेस होगा उतना ज्यादा वर्केबिलिटी होगा। ठीक है जितेंद्र, ना ऐसी गलती ना करना मुन्ना, ऐसी गलती ना करना। वहां पे वो दो चीजों के ऊपर इफेक्ट करता है, स्ट्रेंथ प्लस वर्केबिलिटी, यह सिर्फ एक के ऊपर इफेक्ट करता है। ठीक है, इसको ना 5 स्टार कर लो, इसको 5 स्टार कर लो।
बना लिया क्या? चलो अब किस किस प्रॉपर्टी पर यह इफेक्ट करता है उसकी बात करते हैं, ठीक है? इसके इफेक्ट की बात करते हैं। सबसे पहला इफेक्ट, ठीक है, बार बार आता है क्वेश्चन, याद रखना। सबसे पहला इफेक्ट वर्केबिलिटी के ऊपर क्या करेगा, जल्दी से बताओ क्या करेगा। यह क्वेश्चन है तुम्हारा कि जब एयर इंटेंट एडमिक्सचर को यूज किया जाता है तो वर्केबिलिटी के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि यह वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा। पहला क्वेश्चन स्टार कर लो, पहला क्वेश्चन स्टार कर लो। दूसरा क्वेश्चन कि यह स्ट्रेंथ के ऊपर कैसा इफेक्ट डालता है, कैसे प्रोपोर्शनल है, बताओ कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली तो क्या क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब जब एयर इंटेनिंग को डालोगे तो यही स्ट्रेंथ को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तीसरा, तीसरा एक प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बता चुका हूं सीमेंट में, फ्रीजिंग एंड थोविंग प्रोसेस। फ्रीजिंग एंड थोविंग प्रोसेस मतलब पहले चीज को कम टेम्परेचर पर ले जाके ठंडा कर दो, फिर सडनली से टेम्परेचर को बढ़ा दो तो गर्म कर दो। ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, ठंडा गर्म, फ्रीजिंग थोविंग, फ्रीजिंग थोविंग। तो यह है प्रोसेस। प्रोसेस, इस प्रोसेस से जो रेजिस्टेंस होती है, फ्रीजिंग एंड थोविंग, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, इसको भी क्या करता है, इसको भी बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। इसको भी स्टार कर लो। ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, ये सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, जितना भी मैं यहां बता रहा हूं ये सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके बना लिए तीनों। हाँ तो ये वेदरिंग रेजिस्टेंस ही हो गया, यह जो चीज है ना ये इनडायरेक्टली वेदरिंग रेजिस्टेंस ही है। कैसे लिखते हैं, हाँ वेदरिंग, ये चीज वेदरिंग रेजिस्टेंस ही है भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फिर प्रॉपर्टी आता है अपने पास सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन के जो रेजिस्टेंस होता है उसको भी क्या करता है, यह बढ़ा देता है। सेग्रीगेशन क्या होता है, जब कंक्रीट मिक्स से एग्रीगेट अलग होते हैं, जब कंक्रीट मिक्स से एग्रीगेट अलग होते हैं तो उसे सेग्रीगेशन कहा जाता है, सेग्रीगेशन कहा जाता है। दूसरा अपने पास होता है ब्लीडिंग। क्या होता है, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग रेजिस्टेंस को भी यह बढ़ा देता है। अब ब्लीडिंग आपके पास क्या होता है कि जब कंक्रीट मिक्स से पानी अलग होता है किसी भी कारण से तो उसे ब्लीडिंग कहते हैं। इन दोनों को अलग से सेपरेट करके, डिफाइन करके इनके फैक्टर कैसे रोक सकते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ फिर बात करते हैं, यहां पर यह अपने पास जो ड्यूरेबिलिटी होती है, यह जो स्ट्रक्चर क्या है, ड्यूरेबिलिटी होती है उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा देता है। यह वाला क्वेश्चन भी अपने पास आ रखा है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी अपने पास आ रखे हैं, ठीक है। हाँ फ्रीजिंग एंड थोविंग का मतलब होता है कि जब तुम टेम्परेचर को कम करते हो तो वो चीजें जम जाती है। जब टेम्परेचर को कम करते हो तो ग्रुप का नेम क्या है, कोई बता दो यार। सचिन बेटा,
नंबर सेंड कर दो तुम्हारे इन बच्चों को, ये तुम्हें ऐड कर देंगे वहां पर। ऐसे तो कुछ नहीं है, हर कॉन्क्रीट को तुम अपने पास भेज सकते हो, बस एडमिक्सर डाल दो उसमें, कोई सा भी रिटार्डर डाल दो। कल क्लास होगा परसों नहीं होगा? कल क्लास होगा परसों नहीं होगा? नहीं कल होगा परसों नहीं होगा? अरे परसों बच्चे क्लास को पेपर देने जाएंगे, बहुत से बच्चे हैं। हाँ एक दिन ऑफ रहेगा। अरे सरफराज, देवकरण और प्रिंस, इस नंबर को ऐड कर दो ग्रुप पर, इस नंबर को ग्रुप पर ऐड कर दो आप लोग, ठीक है? हाँ जो भी है, कल का क्लास होगा परसों का नहीं होगा, परसों तुम्हारा छुट्टा रह सकता है, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ कैसे रेजिस्टेंस करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर अपने पास एलन टाइनिंग, यहाँ से जब फ्रीजिंग और थोविंग होता है ना, तो अपने पास होता क्या है कि जब टेम्परेचर जमता है ना, टेम्परेचर फ्रीज होता है, तो ये वॉल्यूम को ना इंक्रीज करता है, वॉल्यूम को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और थोविंग में वापस पिघला के क्या कर देता है, वहां से निकल जाता है। इस कारण से वहां पे वॉइड्स बन जाते हैं बड़े बड़े। अब होगा क्या, जब ये जमने लगेगा, इसने यहाँ पर क्या बना रखे हैं, वॉइड्स बना रखे हैं बड़े बड़े से, ठीक है? तो वहां पर वो बबल्स, जब वॉल्यूम बढ़ता है तो बबल्स फटने लग जाते हैं, जिस कारण से वहां पर क्या होता है कि इनके बीच में अभी भी फ्लोनेस बना रहता है, इनके बीच में अभी भी फ्लोनेस बना रहता है। तो जो चीज जम रही है ना, उसको फ्लो के कारण से वो क्या करेगा, उसको रजिस्ट करेगा वहां पे जमने से, क्योंकि जमेगा तो जब जब वो एक जगह पे रहेगा, जब अगर एक चीज का फ्लोनेस होता रहता है ना, तो वो कभी भी जमता नहीं है। इसी कारण से अपने पास जो तुम्हारा ब्लड नहीं होता, उसको ना ऐसे ही एक फ्लोटिंग डिवाइस में रखा जाता है, और टेम्परेचर वहां पे भी कम ही रखता है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर पे रखने पर हमारा जो खून है वो खराब हो जाता है। तो जब ब्लड डोनेशन कैंप से ब्लड ले लिया जाता है, तो उसको एक फ्लोटिंग वाला इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर वो फ्लो होता रहेगा तो वह नहीं जमेगा, समझ गए? इस चीज, इस प्रोसेस पे वो काम करता है। हाँ ठीक है। अरे तो किसी चीज का स्ट्रेंथ कम है तो क्या उसका ड्यूरेबिलिटी क्या नहीं रहेगा, है भाई? तो तुम ये कहना, अरे क्लास रहेगी, बेमसी के बाद भी क्लास रहती है, निम्बस के जो बच्चे हैं वो निम्बस पे क्लास लेते हैं, ठीक है? हाँ अरे कम हो रही है तो मतलब ड्यूरेबिलिटी से क्या मतलब है? तुम कहना चाहते हो कि स्ट्रेंथ अच्छा तो ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगा, ऐसा कैसे होगा? ठीक है चलो, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। हाँ यह है लो यूनिट वेट कंक्रीट को बनाता है, जो लो यूनिट वेट कंक्रीट है वो इसी से ही बनता है। अरे एक ही चैप्टर चल रहा है एडमिक्सर, एक ही चल रहा है, उसके इफेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे भाई बताएंगे सेग्रीगेशन, तुम रुक तो जाओ, ठीक है? यहां पर ये चौथा है इफेक्ट, ये है पांचवा इफेक्ट है, ये छठा इफेक्ट है, ठीक है? तीन पीछे बता चुका हूं, तीन ये रहे, अब मैं इसके आगे चल रहा हूं। रेजिस्टेंस प्रॉपरली बढ़ने से ड्यूरेबिलिटी बढ़नी होगी फिर। हाँ ये ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है? चलिए तो लो यूनिट वेट जो कंक्रीट होती है वो इसी से ही बनती है, वो भी इसी से बनती है। क्यों? क्योंकि
क्योंकि जब एयर एंटर करेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा है और ऊपर के वेट को क्या करेगा, कम, तो ओवरऑल हमारा यूनिट वेट क्या होगा, कम हो जाता है। और जो लो यूनिट वेट कॉन्क्रीट होती है ना, इसी को ही बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या, एयर इंट्रेन कॉन्क्रीट, एयर इंट्रेन कॉन्क्रीट इसी को ही कहते हैं। और जो अपने पास एरेटेड कॉन्क्रीट होती है, एरेटेड कॉन्क्रीट होती है वो भी इसी से बनती है, ठीक है। और जो अपने पास सेलुलर कॉन्क्रीट होती है वह भी इसी से ही बनती है। कुछ इसके एग्जाम्पल ऐसे हैं, नाम अलग अलग है पर ये चीजें एक ही होती है, लो यूनिट वेट की, और इन सभी के अंदर एयर प्रेजेंस होता है, या हम ऐसी चीजें यूज करते हैं जो अपने पास कम स्ट्रेंथ है, तो अपने पास ये इस टाइप की कॉन्क्रीट को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। हाँ, वेट डिक्रीज होता है क्योंकि वहां पे एयर के कारण से वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, पर एयर का वेट होता नहीं, वॉल्यूम बढ़ गया तो अपने पास क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगा। भाई बना लिया क्या? बना लिया क्या, जल्दी से बताओ। हाँ सर बना लिया। और लिखना है, और रिड्यूस एल्केलीज एल्काली एग्रीगेट रिएक्शन, इस चीज को भी क्या करता है, कम करता है, एग्रीगेट एल्काली रिएक्शन। ये कब होता है, ऐसे एग्रीगेट जिनके अंदर एल्कलीज मैटर प्रेजेंट होते हैं तब ये रिएक्शन होती है। तो अगर ऐसी जगह से हम एग्रीगेट ले रहे हैं जिसमें एल्कलीज मैटर प्रेजेंट है और आपने ये एडमिक्सचर डाल दिया, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से भी क्या होगा, ये रुक जाएगा, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से भी क्या होगा, ये रुक जाएगा, ठीक है। वेस्ट मटेरियल, ठीक है। चलो लास्ट, और आज के दिन का लास्ट है, इसे केमिकल रह गए ना, इसके केमिकल याद रख लो, इसके केमिकल याद रख लो। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एक अपने पास होता है नेचुरल वुड रेजिन। वुड रेजिन आपके पास क्या होता है, क्या आपने वो पेड़ों के साइड में देखो चिपचिपा सा पदार्थ निकलता रहता है, देखा है क्या, हाँ उसे ही रेजिन कहते हैं, ठीक है। दूसरा अपने पास होता है प्लांट्स एंड प्लांट्स एनिमल एंड प्लांट्स फैटी ऑयल, और इसके बाद अपने पास होता है एक एल्युमिनियम पाउडर, यह है कुछ इसके एग्जाम्पल, ये तीन इसको याद रख लो, ठीक है। चलो नेचुरल वुड रेजिन, एनिमल एंड प्लांट्स फैटी ऑयल और एल्युमिनियम पाउडर, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जो आपको याद रखने हैं। स्टेरिक एनोलिक एसिड भी होते हैं क्या, वो दूसरी जगह पे बताएंगे। हाँ होते तो हैं पर उसको दूसरे एडमिक्सर के अंदर बताएंगे, इसके अंदर भी होते हैं वहां पर भी होते हैं, बट मैं वहां पे ज्यादा प्रेफर करता हूं उनको। अनिल बना लिए क्या भाई, अनिल बना लिए क्या,
हाँ तो बोल दो यार, हाँ बोल दो। हाँ हम क्या करें, हम थोड़ी ना कर रहे हैं स्लो, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। जैसा आप लोग चलोगे वैसा ही तो हम चलेंगे। हमने तो पहले ही कहा है, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हमें कब खत्म करना है, ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को कब खत्म करवाना है। तुम बोलो तो हम जल्दी चल दें, हमें क्या। वाटर रिपेल एडमिक्सर, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, वाटर रिपेल एडमिक्सर। अरे भाई हर दिन सेम लेवल पर नहीं रह सकते, समझा करो। किस दिन थक जाते हैं तो किस दिन नहीं रह पाता। आप सुबह मॉर्निंग से क्लास ले रहे थे तो आज किस रीजन के कारण से मॉर्निंग में 8 बजे से तो नहीं रह पाता है, पूरे दिन कैसे रह ले तुम बताओ। अब तुम चाह रहे हो क्या कि पूरे दिन एक जैसे रहे, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। अब मैं तुमसे कहूँ कि कल तुम जाओ पेपर दो 10 से 12, फिर तुम मेरी क्लास भी लो, मुझे नहीं पता कैसे भी आओ, तुम्हें तो मेरी क्लास में आना है। तुम नहीं आए तो मैं वो टॉपिक को नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा। अब तुम कैसे कर पाओगे, तुम बस में झूलते रहना, ट्रेन में बैठे रहना और देखते रहना मेरी क्लास को, तुम कैसे कर पाओगे क्या। नहीं ना, तो हर दिन सेम लेवल से नहीं चलता, ये बात याद रखिए बात को। एक दिन ऐसा भी जाता है कि जिस दिन थोड़ा सा कम रहना पड़ता है, तो यही बात होता है। हाँ तो रिकॉर्डेड में भी एनर्जी तो नहीं रहेगा ना तुम्हारे पास। ठीक है चलो, अब वाटर रिपेल एडमिक्सर आपके पास कौन से होंगे, ऐसे एडमिक्सर जो अपने पास पानी को रोक सकते हैं, वो वाले एडमिक्सर क्या कहलाएंगे, वाटर रिपेल। ठीक है, ऑफलाइन में भी पढ़ा रहे हैं क्या। नहीं, अभी ऑनलाइन ही चल रहा है। ठीक है हाँ चलो, एडमिक्सचर विच रिड्यूस द एडमिक्सचर विच रिड्यूस द एडमिक्सचर विच रिड्यूस द परमेबिलिटी, रिड्यूस द परमेबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। ओके, ऐसे एडमिक्सचर जो कंक्रीट की परमेबिलिटी को कम करते हैं, परमेबिलिटी को कम करते हैं, वह वाटर रिपेल एडमिक्सचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वाटर रिपेल एडमिक्सचर कहलाते हैं। कौन कौन से यहाँ पे यूज किए जाते हैं, अब यहाँ पे पानी को रोकने के लिए स्टेरिक एसिड को हम यूज कर सकते हैं, अपने पास ऑयलिक एसिड को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और एक आपके पास और रहता है, एक और भी था, नाम क्या था, मेम्ब्रेन कुछ करके था, मेम्ब्रेन केमिकल कुछ ऐसे करके था। ठीक है, मेम्ब्रेन होता है, एक रबड़ वैक्स होता है, एक क्लोरोमेटेड होता है, ये दो तीन चीजें रहती है। ठीक है हाँ, ना बिटुमिन्स, प्लास्टिक बिटुमिन्स वाला तो अपना डैम प्रूफिंग कोर्स में यूज करते हैं भाई, डैम प्रूफिंग कोर्स में यूज करते हैं वो तो। ठीक है अब आगे चले, आगे चले, सेग्रीगेशन और ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। फाइन ग्राइंडेड चॉक, सोडियम सिलिकेट, जिंक सल्फेट, एग्जैक्ट्रा, ये सब देखो
अगर बात करें अपना किसका फैन ग्राइंडेड चोक, ये तो अपने पास एसिलेटर में यूज कर सकते हो। सोडियम सिलिकेट ये भी एसिलेटर के अंदर यूज कर सकते हैं, और जिंक सल्फेट ये शायद रिटार्डर रहता है। ये अपने पास रिटार्डर रहता है, ठीक है सर। ये वाटर रिपेल्ड में क्या है सर, सेकंड नोट्स में हमने ये कहा है कि यह कंक्रीट के अंदर परमिटिविटी को कम करते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल बताए हैं, ऑयलिक, स्टेरिक और मेम्ब्रेन केमिकल होता है, इन तीनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन केमिकल अपने पास ऐसा होता है कि जब इस केमिकल को यूज करते हैं ना, तो यह एक अलग से एक अपनी लेयर बना लेता है, तो उसे मेम्ब्रेन केमिकल कहते हैं, ठीक है। अलग से अपनी एक लेयर बना लेता है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन केमिकल कहते हैं। ओके चलो सर, ड्यूरिंग स्टडी ज्यादा भूख लगती है क्या? हाँ अभी अच्छा भूख कह रहे हो क्या? भूख कहाँ लगता है? नहीं लगता भाई भूख। नोट्स, सेग्रीगेशन, पहले लिखो सेग्रीगेशन, ठीक है। चलो अब सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम कॉन्क्रीट मिक्स, कॉन्क्रीट मिक्स इज नॉन एज सेग्रीगेशन, नॉन एज सेग्रीगेशन। ओके अब इसके कारण की बात करते हैं, किस कारण से यह हो सकता है, ठीक है। पहला सबसे ज्यादा बार पूछा गया, जब, ठीक है, जब हाइट ऑफ फॉल ऑफ कॉन्क्रीट ग्रेटर देन 1.5 मीटर, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। अगर कंक्रीट को 1.5 मीटर की हाइट से गिराते हो ना, ठीक है, अभी कहाँ है, क्लास नहीं ले रहे हैं क्या यूट्यूब पर? मुझे कैसे पता होगा? नहीं, बहुत से टीचर हैं, बहुत से टीचर, ठीक है, तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा टीचर क्या काम कर रहा है, क्योंकि मुझे मेरा नहीं पता होता कि मैं कल क्या काम करने वाला हूं, तो मैं किसी और टीचर के बारे में मैं कैसे पता करूंगा, तुम बताओ। नहीं, अगर यहां पे होते तो हम बताते, वो यहां पे भी नहीं है, अब मुझे कैसे पता होगा कि वो कहां पर है? तुम भी मजे लेते हो, तुम्हें कुछ ज्यादा लगाव हो गया है किसी से, छोड़ो जोप लो, तैयारी करो, पढ़ो और जाओ, बस इतना रहना चाहिए, ठीक है। ना ज्यादा लगाओ और ना ज्यादा दूरी, दोनों ही खतरनाक है, ठीक है। आओ पढ़ो सीखो, पेपर तैयारी करो और जाओ, इतना रहना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे ज्यादा हाइट ऑफ फॉल अपने पास ये हो, और दूसरा रीजन आपके पास होता है कि कंक्रीट को अच्छे से मिक्स ना किया हो, बैडली मिक्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को अच्छे से मिक्स ना किया हो। तीसरा, लेस कोहेसिवनेस इन कॉन्क्रीट। ये तीन चीजें याद रखना, ये तीन चीजें याद रखना। पहला, हाइट ऑफ फॉल 1.5 मीटर से ज्यादा होगा तो होगा,
अच्छे से मिक्स नहीं किया तो होगा, और कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स के बीच में चिपचिपाहट कम है तो भी अपने पास होगा, तो भी अपने पास होगा। लीन मिक्स, ऐसा मिक्स जो हमें प्रॉपर्टी अच्छे से ना दे, जो हमें चाहिए वो सब आपके पास लीन कहलाता है। ठीक है सर, बायलू सर का क्या करें, नोट्स ही बना रहे हैं। अरे लगाओ अपनी जॉब से करो भाई। बताया ना 1.5 सेंटीमीटर, अभी दिखा दूंगा, अभी दिखा दूंगा 1.5 सेंटीमीटर क्यों है, 1.5 मीटर क्यों है। ठीक है चलो आगे चलते हैं। ठीक है अब पेपर में आना, एक पेपर में क्या करा, क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन को एक तो ना अच्छे से बड़ा करो। क्वेश्चन में क्या लिखा कि हम सेग्रीगेशन से कैसे बच सकते हैं, मतलब लिखा था क्वेश्चन में, अच्छे से समझना ना। क्वेश्चन में लिखा है प्रीकॉशन, प्रीकॉशन टू सेग्रीगेशन। अब बंदा पता है क्या करके आ रहा है, बंदा पता है क्या करके आ रहा है, 1.5 मीटर। आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए, 1.5 मीटर से कम, 1.5 मीटर से ज्यादा, 1.5 मीटर से कम, 1.5 मीटर। प्री क्वेश्चन जब आता है ना तो ये तीनों ही लाइनें एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, तीनों ही लाइनें एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है कि हाइट ऑफ फॉल 1.5 मीटर से कम होगा, अच्छे से मिक्स करेंगे, गुड मिक्सिंग होना चाहिए, हाई कोहेसिवनेस होना चाहिए। तो प्री क्वेश्चन अगर करते हैं ना तो ये तीनों लाइनें एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, और अगर इसके कारण पूछता है तो ये तीन क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आ रखे हैं जो मैंने आपको कोर्स में लिखवा रखे हैं, समझ गए। तो बेटा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि वो कारण पूछ रहा है या बचने के कारण पूछ रहा है। ठीक है भाई, कैसे बच सकते हैं ये बताओ। ठीक है तो अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, ऐसा ना हो जल्दबाजी में तुम गलती कर दो। इसका आंसर 1.5 मीटर ही करना, अगर 100 और 1.5 आता है तो 1.5 करना है, बात खत्म। मेरे पास भेजना सॉल्यूशन, मैं दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है चलो अभी दिखा दूंगा, 2 मिनट अगर मुझे दोगे तो। ठीक है ब्लीडिंग, ब्लीडिंग आपके पास क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वाटर, देखो एग्रीगेट नहीं है, सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट मिक्स इज नॉन एज ब्लीडिंग। ओके अब इसके कारण, अब भाई मैंने कहा है यहां पे पानी है, मैंने कहा है यहां पे पानी है, तो कारण सबसे पहला क्या होगा कि यूज, यूज हायर, यूज हायर वाटर सीमेंट रेशियो, हाई यूज हायर वाटर सीमेंट रेशो। ठीक है और क्या बता सकते हैं इसमें, और क्या बता सकते हैं बताइए। बैडली मिक्स यहां पे भी लिख सकते हो, यहां पे भी एप्लीकेबल है, बैडली मिक्स ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है बनाओ इसको। हाँ हाँ हाई कंपैक्शन में लिख सकते हो, इस कारण से भी पानी सरफेस पे आ जाता है, ज्यादा में कंपैक्शन कर देते हैं तो जरूरत से ज्यादा। ठीक है बिल्कुल सही है, कंपैक्शन ज्यादा कर दोगे तो भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है अब चेक कर लेते हैं नेट आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि फिर तुम उसके बाद तक लिखते रहना, मैं जाके जल्दी से नेट ठीक करवा लेंगे। ठीक है टाइम कितना बच रहा है, 13 मिनट, ओ बहुत सही चीज आ जाएगी अब तक तो। ठीक है
नहीं जान रहा, तुम नोट करो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, इसको नोट करो, आ रहे हैं। बना लिया, चलिए अब 2-3 चीजें और बता देते हैं तुम्हें। बनाए? चलो टेबल है अपने क्यूरिंग टाइम को लेकर, फॉर्म वर्क टाइमिंग को लेकर, है ना? शायद तुमने पता नहीं आरसीसी में पढ़ लिया होगा। पढ़ा नहीं पढ़ा, पहले बताओ। छोड़ो भाई, चलो बात करते हैं टाइमिंग को लेकर, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है यहां से। लो, साइज ऑफ एग्रीगेट के अंदर लिखना है तो उसमें बता देंगे एक साथ ही, पहले उसका कर लेते हैं। लो लिखो, मेरे हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लो। चलिए यहां पे लिखना है आपको टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क, टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क, और यहां पे लिखना है इसका मिनिमम, टाइप्स ऑफ फॉर्म वर्क मिनिमम पीरियड, मिनिमम पीरियड, ओके? कितने टाइम तक हम रखेंगे इसको, इस फॉर्मवर्क को कितने टाइम तक हम रखेंगे, इसके लिए है, ठीक है? चलो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वर्टिकल फॉर्मवर्क आया था क्वेश्चन, आरसीसी में क्वेश्चन आया था, बताइए। वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम आया हो या फिर वॉल पे पूछा हो, वॉल पे पूछा हो या फिर बीम पर आया हो, ठीक है? वर्टिकल फॉर्मवर्क कौन से होते हैं, जो अपने सामने से होते हैं, ठीक है? तो इसका मिनिमम टाइम जो अपने पास रहता है वह होता है 16 से 24 घंटे, 16 से 24 घंटे। जनरली आंसर इसका पाया जाता है 1 दिन, जनरली इसका आंसर पाया जाता है 1 दिन, ठीक है? हाँ, अब दूसरा क्वेश्चन, इसको 5 स्टार कर देना इस टेबल को, 5 स्टार। हाँ लिखना है, ये पहले ही कह रहा हूं लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं सोफिट, सोफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, तो इसका आंसर होता है अपना
3 दिन। अब तुम्हारा मन क्या कर रहा होगा कि सर ये सोफिट क्या होता है ये बता दो। कोई सा भी मेंबर हो उसका जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है ना उसे सोफिट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यह आपकी कोई बीम हो गई, यह आपकी कोई स्लैब हो गई, तो जो नीचे वाला पार्ट है ना लोअर वाला पार्ट यह सोफिट है। यह बीम का जो नीचे वाला पार्ट है ना यह क्या है, यह सोफिट है। तो मतलब इसके नीचे जो सोफिट के नीचे फॉर्मवर्क लगा हुआ है ये मिनिमम कितने दिन तक रहेगा, 3 दिन तक। कितने दिन तक रहेगा, 3 दिन तक रहेगा। ओके, अब ये एग्जाम में इस बार कैसे आया, एग्जाम में इसका पूछने का तरीका देखो। यहां पर इस बार के एसएससी के एग्जाम में और बाकी स्टेट एग्जाम में ये कैसे पूछता है ये देखो। क्या लिखेगा, प्रोप प्रोप टू बी रिफिक्स, प्रोप टू बी रिफिक्स इमीडिएटली इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। इस बार का क्वेश्चन ये कुछ इस तरीके से पूछा था। क्या कहा कि इसके नीचे ये लगा रखे हैं वर्टिकल मेंबर, इन्हें क्या कहते हैं, सोफिट कहते हैं। क्या कहते हैं, सोफिट। इन्हें इन्हें क्या कहते हैं वर्टिकल मेंबर को, इन्हें बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। जब यहां से वर्टिकल मेंबर हटा दिया जाता है ना तो इसके नीचे वापस ये प्रोप लगा दिए जाते हैं इस तरीके। तो यही आपके पास कहा है कि प्रोप को वापस लगा दो जैसे ही तुम फॉर्मवर्क को हटाते हो, तो आंसर कितना होगा, 3 दिन। ठीक है, बहुत बार आया है, बहुत बार है, और इस बार एसएससी के क्वेश्चन में भी आया था, और इससे पहले वाले 2018 में भी आया, 19 में भी आया। ठीक है, स्टैगिंग वॉल। अरे वॉल अलग होती है, वॉल पर आए तो भी 16 से 24 दिन नहीं आएगा, दीवार पे कोई सा भी आए 16 से 24। ये नोट कर लिया क्या, ये नोट कर लिया सभी, बताओ जल्दी से, नोट कर लिया क्या। हाँ हाँ बोल दो जल्दी से, हाँ हाँ सभी बोल दो, हाँ ओके। मैं लिखूंगा कम बताऊंगा ज्यादा। आरसीसी में पढ़ा था कि पढ़ा था, नहीं पढ़ा, फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं। तीसरा, स्लैब की जगह मैंने यहां पर क्या कर दिया, स्लैब की जगह कर दिया बीम, और यहां पे हो जाता है 7 दिन। कितने दिन होता है, 7 दिन। कितने दिन हो गया, 7 दिन। अरे तो आंसर तो तुम्हारा लग गया ना 16 से 24। पेज नंबर देख लेना, टेबल कहां पे है, पेज नंबर 25, IS 456 2000। देख लो जाकर, देख लो वहां पर, ये तुम्हें मिल जाएगा, ये तुम्हें मिल जाएगा वहां पर जाके, पेज नंबर 25, IS 456। बना लिया, ये बना लिया। चलो उसके बाद एक क्वेश्चन और आया, दूसरा और तीसरे से एक क्वेश्चन आया। क्या कहा कि अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ठीक है, क्या बोला, अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रखा है तो मैं कितने दिन में हटा दूंगा, तो भी आंसर स्लैब के लिए होगा 3 दिन, और बीम के लिए कितना होगा, 7 दिन। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, अगर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पूछ लिया तो भी स्लैब के लिए कितना होगा, स्लैब के लिए मिनिमम 3 दिन और अपना बीम के लिए 7 दिन। अब चौथा क्वेश्चन, ठीक है, प्रोप टू स्लैब, स्लैब के नीचे से प्रोप को हटाना है। प्रोप मतलब वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल मेंबर को प्रोप बोलते हैं। ठीक है, अब इसके दो कंडीशन आती है, दो कंडीशन आती है कि अगर स्पान 4.5 मीटर या इससे कम है तो कितने दिन में हटेगा, 7 दिन में। कितने दिन में हटेगा, 7 दिन में। और अगर स्पान 4.5 मीटर से ज्यादा हो गया तो कितने दिन में हटाओगे, 14 दिन में। ऐसे ही क्वेश्चन आता है पांचवा, वो कहता है कि जो प्रोप है वो किसके नीचे से हटाने हैं, बीम के नीचे से।
वहां पे भी दो कंडीशन आती है कि अगर जो स्पान है वह 6 मीटर है तो आंसर होता है 14 दिन, और अगर आपके पास यह 6 मीटर से ज्यादा चल जाता है तो आंसर होता है 21 दिन। ओके, और अगर कह देता है स्लैब के लिए मिनिमम दिन, स्लैब के लिए मिनिमम डेज, जब यूज करते हैं कौन सा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो आंसर कितना है इसका 3 दिन, और अगर बीम के लिए यूज करते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तो मिनिमम डेज कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 दिन। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ये क्वेश्चन भी आ रखे हैं, ठीक है। स्लैब के लिए मिनिमम दिन जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं तो 3, और बीम के लिए जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करते हैं तो मिनिमम कितना हो जाएंगे 7 दिन। वैसे जनरली ये रहता है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे अब यहां से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और एक चीज और बताना चाहता हूं, तुम अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, जब तुम पेज नंबर 25 देखोगे ना तो उसके साइड में एक टेबल और है, तो उसको भी पढ़ लेना। पेज नंबर 25 के साइड में एक टेबल और बना हुआ है तो उसको भी पढ़ लेना, ठीक है, जिसको डिस्कस हम कल कर लेंगे अपनी क्लास में, ठीक है। हाँ, और परसों तुम्हारा ऑफ रहेगा, जब तक के लिए अलविदा। ये लो पहला, ये पहला है, 1 2 3 4 5, और ये रहा दूसरा, 1 2 3 4 5। चलो ठीक है, कल मिलते हैं 1 बजे। सर आ गए गुरगुर के देख रहे हैं, ठीक है, चलो।